पैगाम सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं तो ये कहेंगे ये क्या भगवान आया हुआ है, गॉडफादर। सारी दुनिया जिनको मानती है, धर्म पिताएं भी गॉडफादर को मानते हैं, और हमको पता ही नहीं चला, तो डरापा देंगे। इसलिए सारी दुनिया में पैगाम पहचाना है, खर्चा भी किया तो भी क्या हुआ, इतना बड़ा काम होने वाला है तो खर्चे की कोई बात नहीं, सभी को मालूम तो पड़े ना कि इस ज्ञान से बाप जो आकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से उस पढ़ाई से क्या मिलता है, है? विश्व की बादशाही मिलती है। अभी पुरुषार्थ सबको करना है, क्या पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए एक जन्म का सुख तो सबको मिलेगा, बाकी तो मुक्ति मिलेगी। एक जन्म के लिए हर आत्मा को जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी, तो सबको पुरुषार्थ करना है। अभी तुमको खर्चा करना पड़ता है, क्या जब तक आवाज नहीं निकली है, बाप दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक तुमको खर्चा करना, तब तक तुमको खर्चा करना पड़ता है। फिर आपे ही तुमको अखबारों में फ्री देंगे, क्या पैगाम देने के लिए सिनेमा हॉल भी तुमको फ्री देंगे, रेडियो में भी फ्री देंगे, टीवी में भी फ्री तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो ऐसे भी सर्विस करने के लिए बहुत मिलेंगे, अभी ना कर देते हैं, तुमको नहीं देते हैं। जो लाखों रुपया पैसा देते हैं टीवी चैनल वालों को, उनका डालते हैं, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा नहीं डालते हैं, तुम्हारे पास इतने पूंजी नहीं है, तुम तो गरीब रिवाज बाप के गरीब बच्चे हो, इतना नहीं दे सकते हो, लेकिन धैर्य धारण करके रखो, क्या कोई नहीं है, अभी हमारी बात नहीं चल रही है तो कोई ठंडे हो जाते हैं, अरे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ठंडे होने की बात नहीं है, तुमको आगे चल करके सर्विस करने के लिए सब सहयोग देंगे। अखबार वाले, बड़े बड़े अखबार वाले भी फ्री डालते रहेंगे, क्या तुम्हारे चारों चित्रों को फ्री डाल देंगे, पूरे पेज पर सीढ़ी का चित्र डाल देंगे, सबकी समझ में आए।